गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं बनाया था, तो सोचा यार आप लोगों से बात की जाए। आज का जो व्लॉग है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो मेरे व्लॉग्स होते हैं वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड होते हैं, लेकिन आज का जो व्लॉग है वो फोटोग्राफी से रिलेटेड है। एक्चुअली जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं ना, या फिर मेरे को पहले से फॉलो करते हैं, तो उन्हें पता है मेरे को ना फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है। और यार ये ना झाड़ू लगा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा एक मिनट आगे कर लेता हूँ मैं गाड़ी। एक सेकेंड। चलो यार चलते चलते बात करते हैं ना। तो यार देखो, जो लोग मेरे को ना पहले से जानते हैं या फिर मेरे को पहले से फॉलो करते हैं, तो उन्हें पता है यार मेरे को ना फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है। पहले ना मैं बहुत फोटोज खींचता था यार, काफ़ी फ़ोटो वॉक पे जाता था। हर वीकेंड पे मैं फ़ोटो वॉक पे निकलता था, कभी स्ट्रीट फोटोग्राफी, कभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, कुछ ना कुछ मैं करता रहता था। तो आप मेरे एक बार इंस्टाग्राम हैंडल पे विजिट करना और वहाँ देखना यार, वहाँ आपको दिखेगी मेरी पुरानी फ़ोटो। आज फाइनली वो दिन आ गया है, मैंने कैमरा उठा लिया है। तो अभी दिखाऊंगा आपको मैं कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ। कोई मतलब मेरे पास ऐसा कोई फैंसी कैमरा नहीं है, एंट्री लेवल कैमरा है, उसी से ही मैंने स्टार्टिंग की थी और अभी भी मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, नाइकन का। ट्रैवलिंग व्लॉग्स तो आपने देखे ही हैं मेरे चैनल पे, तो मैंने सोचा यार इस बार ना थोड़ा सा कुछ डिफरेंट आप लोगों के लिए पेश करता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ आज सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी यार पता है मेरे को ना बहुत पसंद है यार ये लोकेशन। मेरे घर से लगभग 35 किलोमीटर है, मैंने मैप लगा रखा है, अभी 1 घंटे के आसपास दिखा रहा है रास्ता। 2 रास्ते हैं जाने के, एक गुड़गांव से होके है, क्योंकि मैं वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ, तो गुड़गांव से होके एक रास्ता और एक नजफगढ़ से होके है। तो गुड़गांव वाला थोड़ा सा लंबा पड़ेगा और वहाँ पे ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है, तो मैं नजफगढ़ होते हुए जा रहा हूँ। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी में ना काफ़ी सारी माइग्रेटेड बर्ड्स आती है, सीजनल होती है वो, तो विंटर सीजन में ही रहती है। और पता है मैं हर साल, ऐसा कोई ईयर नहीं गया होगा जब मैं सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी मैंने कभी मतलब मैंने विजिट ना किया हो, ऐसा कोई भी साल नहीं गया होगा। इस साल मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैं हमेशा ना नवंबर दिसंबर में जाता हूँ, जो कि पीक टाइम होता है, जिस टाइम पे सारी माइग्रेटेड बर्ड्स मिलती है वहाँ पे। इस बार नहीं जा पाया यार, अब इस बार मैंने सोचा यार लेकिन मिस नहीं कर सकता। दिल्ली में तो यार भाई साहब संडे वाले दिन भी इतना ट्रैफिक लग जाता है, क्या ही बताएं यार। सनराइज देखो यार कितना मस्त लग रहा है। ये जो अब लेफ्ट कट आया ना, इसके बाद से ये अब जो ये लेफ्ट में जितना भी एरिया है ये सारा सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी का है, रिजर्व एरिया। ये देखो ये सारी गाड़ियाँ खड़ी है ना, ये सारी पार्किंग है। और यार आज संडे है तो आज काफ़ी फोटोग्राफर आए होंगे, देखते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं अंदर का जो भी माहौल है। और ये लोग घुस गए अब हम एंट्री में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। यार एंट्री चेंज कर दी इन्होंने, पहले ये वाला गेट नहीं था, अब बना दिया इन्होंने, देख रहे हो भाई साहब फोटोग्राफर की टीम। यहाँ खड़ी करते हैं आराम से। सो यार गाड़ियाँ देख के तो लग रहा है काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, और संडे को ना यार होती है, पता है बहुत फोटोग्राफर आते हैं यार यहाँ पे फोटोज़ खींचने। ये देखो पूरी पार्किंग फुल हो रखी है। और यार ये गेट ना नया बनाया इन्होंने, पहले नहीं था ऐसा। चलो टिकट लेते हैं फटाफट अपनी और अपने कैमरे की, उसके बाद चलते हैं अंदर। टाइम हो गया 9 बजने वाले, 9 बजने में 5 मिनट है। कितने लोग? मैं ही हूँ अकेला। बाइक कार है? कार है। अच्छा और कैमरा भी है। हाँ ये लिए
वेलकम टू रामसर साइट सुल्तानपुर नेशनल पार्क फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा। सो यार 65 रुपए की टिकट पड़ी है, जिसमें देखो यहाँ पे बाइफर्केशन भी दी हुई इन्होंने, इंडियन सिटीजन 5 रुपए, लाइट व्हीकल 10 रुपए, इसमें वो कहता अगर बाइक है तो 5 रुपए लगेगी और कार है तो 10 रुपए, उसके अलावा DSLR मेरे पास तो उसके 50 रुपए एक्स्ट्रा है। अगर आप विदाउट कैमरा आते हो, सिर्फ मोबाइल फ़ोन के साथ अगर आप फोटोज़ वीडियो बनाओगे तो उसका कोई चार्ज नहीं है, अगर आपके पास DSLR है तो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे ना एक मैप भी है, रुको आपको मैप दिखाता हूँ। हाँ देखो ये रहा, देख लो यार ये मैप, एक बार ना स्क्रीन को पॉज करके एक बार देख लेना। और साथ में एक ये बोर्ड लगा हुआ है सुल्तानपुर नेशनल पार्क लोकेशन रामसर साइट नंबर। अच्छा ये सारी डिटेल्स लिखी हुई है इसमें, पढ़ लेना यार एक बार पॉज करके। देखो स्पॉट बेल डक। तो यार यहाँ पे ना काफ़ी माइग्रेटेड बर्ड्स आती है विंटर सीजन में, जबकि ये जो टाइम है अभी फेब एंड होने वाला है, आज 25th ऑफ फेबररी है, तो ना लगभग अब ना जाने का टाइम है इनका, बर्ड्स का। सबसे बेस्ट जो टाइम होता है वो होता है दिसंबर जनवरी, सबसे बेस्ट टाइम होता है आने का। पहला शॉट मिल चुका है मुझे, मतलब अभी इतना कुछ खास नहीं है लेकिन ठीक है, दिखाने लायक है। तो देखो ये मेरा कैमरा है सबसे पहले, तो ठीक है मैंने आपको अभी तक कैमरा नहीं दिखाया, बेसिक कैमरा है नाइकन D3200 विद 200mm लेंस, इसी से मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा हूँ जो कि 200mm बहुत कम है, ठीक है मिनिमम आपको 400mm तो चाहिए ही चाहिए अगर आपको वाइल्ड लाइफ और स्पेशली बर्ड फोटोग्राफी करनी है, क्योंकि उसके लिए ना हमें टेली लेंस चाहिए होता है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत छोटा होता है और काफ़ी डिस्टेंस पे होता है। दो चलो एक शॉट आया दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। अब देखो वेट करो, वीडियो के लास्ट में आपको सारी फोटोज़ दिखेगी विद ओरिजिनल क्वालिटी, अभी कैमरे में ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट फ्रेम ढूंढता हूँ। बहुत पेशेंस चाहिए फोटोग्राफी के लिए, देख रहे हो ये भैया कितनी देर से बैठे होंगे यहाँ पे एक परफेक्ट शॉट लेने के लिए। एक शॉट मिला है किंगफिशर का, आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। तो सामने बैठा हुआ बिल्कुल, बहुत दूर है यार, बहुत दूर है। अभी यार मेरे को ना किंगफिशर का बहुत बढ़िया शॉट मिला है, और पता है बहुत पेशेंस का काम है यार स्पेशली बर्ड फोटोग्राफी करना बहुत वेट करना पड़ता है परफेक्ट शॉट के लिए, और पता है ज़्यादा ना तेज बोल भी नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि हल्की सी भी वाइब्रेशन होती है ना वो इसकी डर जाते हैं पक्षी ना उड़ जाते हैं फटाफट। सुबह आने का मेरा सबसे बढ़िया रीज़न यही था कि सुबह सुबह सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी में ना लाइटिंग बहुत अच्छी होती है, एग्जैक्टली जहाँ से हम फोटोज़ खींच सकते हैं उसके हिसाब से ना लाइटिंग परफेक्ट होती है, वही है फिर 11-12 बजे के आसपास ना फिर सूरज जब ऊपर चढ़ जाता है फिर वो टाइम ख़राब हो जाता है। सुबह 8 बजे के बाद और 11 बजे तक बहुत परफेक्ट टाइम है फोटोग्राफी करने के लिए। ओ भाई साहब शॉट देखो, देखो ये पेंटेड स्टॉक है और 400mm का शॉट है यार, ये मेरे पास है नहीं बट देखता हूँ ट्राई करता हूँ 200mm से अगर कुछ आता है तो शॉट।
यार क्या परफेक्ट शॉट आया इसका, ये देखो क्या मस्त पोज दे रहा है चुपचाप बैठा हुआ है बिल्कुल, और ये देखो क्या लुक दी है इसने अग्रेसिव लुक, मजा आ गया यार क्या शॉट मिला है। चलो आगे चलता हूँ, आगे देखता हूँ। आज पता है सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, आज ना लाइटिंग बहुत अच्छी है यार, सनलाइट जो आ रही है ना बहुत परफेक्ट शॉट आ रहे हैं। ये देखो दूर एक किंगफिशर बैठा हुआ है, आपको कैमरे में नहीं दिखेगा, ये देखो दिखा, ये देखो है ना, लेकिन वो बहुत दूर है, 200 mm में नहीं आएगा वो शॉट। एक ना पेंटेड स्टॉक का एक शॉट मिला है, मजा आ गया। ये देखो वेट करो लास्ट में दिखाऊंगा। ये जो हट है ना ये स्पेशली फोटोग्राफर्स के लिए ही बना रखी है, पहले यहाँ पे जा सकते थे इधर साइड में, लेकिन अब इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि इससे ना बर्ड्स काफ़ी डिस्टर्ब होती है। तो ये ना आराम से एक हिडन कंपार्टमेंट मिल जाता है जहाँ से हम फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं बर्ड्स की। ये देखो यहाँ पे ज़्यादा स्कोप नहीं है इस टाइम, बहुत देर वेट किया मैंने, बट चलो चलते हैं वापस। ये जो पेड़ है ना सामने ये वाला, इस पे एक बर्ड दिखी है मेरे को ऊपर, ट्राई करता हूँ अगर मुझे फ्रेम मिल जाए तो। नहीं मिला यार, उड़ गई बर्ड वो ना मेरे पास जाते ही किस्मत खराब है। चलो ट्राई तो किया एटलीस्ट। देखो यार एक शॉट आया है, अभी मेरी लोकेशन देखो मैं कहाँ बैठा हूँ और यार यू हैव टू वेट एंड वेट एंड वेट फॉर परफेक्ट शॉट, और कोई शॉर्टकट नहीं है, बस आपको पेशेंस दिखाना है और वेट करना है परफेक्ट शॉट के लिए। एक शॉट लिया है ये देखो, एक सेकंड अब देखो ये यहाँ बिल्कुल सामने का है, लास्ट में दिखाता हूँ आपको। परफेक्ट पोज देके एक शॉट मिला है, मतलब पोज दे रखा था बढ़िया है देखो।
साहब वो देखो सामने बैठा हुआ बिल्कुल इस पेड़ के नीचे बिल्कुल यहाँ पे ए, यहाँ पे आप तब तक फोटोज देखो, मैं अपनी कार लेता हूँ पार्किंग से और कुछ खाता हूँ। यार भूख लग रही है बहुत तेज, सुबह भी कुछ खा के नहीं आया था, सिर्फ कॉफ़ी पी के आया था। चलो आप फोटोज इंजॉय करो और कमेंट करके बताना कैसी लगी। ये सारी 200 mm से है, ठीक है, ये रहा कैमरा इसी से। चलो